रियान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में भी कोई अपील दाखिल नहीं की है बॉम्बे हाईकोर्ट के खिलाफ, और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी कोई फ्रेश अग्रिम जमानत याचिका अभी तक दाखिल नहीं की है। 4 बजे तक मेंशनिंग का टाइम था, अभी तक कोई दाखिल नहीं हुई है, कोई पिटीशन फाइल नहीं हुआ है। अगर वो पिटीशन फाइल होता है तो हम उसका विरोध करेंगे। ऐसा लगता है कि ये पिटीशन अगर अभी तक फाइल नहीं हुआ तो अब तो समय नहीं बचा, अर्जेंट में फिर भी हो सकता है, हम इंतज़ार करेंगे 5 बजे तक। कल का भी कोई आपको लगता है कि वो फाइल करेंगे? कल फाइल कर सकते हैं, लेकिन कल अगर फाइल करेंगे तो वो सुनवाई फिर सोमवार को होगी, और सोमवार को सुनवाई होने की स्थिति में हम इसका विरोध करेंगे। सब बड़े बड़े वकीलों के नाम सामने आ रहे हैं कि वो उनकी तरफ से जो है एप्लीकेशन मूव करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हालांकि अगर अशोक की तरफ से बात करें तो कोई भी केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। देखिए, रियान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों द्वारा जो भी याचिका दाखिल की जाएगी और जो भी वकील उनके लिए खड़े होंगे उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग प्रद्युमन फैमिली की तरफ से इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कल भी वो फाइल कर सकते हैं, शनिवार को रजिस्ट्री खुली होती है। अगर कल फाइल करेंगे तो मैटर सोमवार को लिस्ट होगा, अगर सोमवार को फाइल करेंगे तो सोमवार को भी अर्जेंट मेंशनिंग में ये मैटर सेकेंड हाफ में लिया जा सकता है। पुलिस की जांच से संतुष्ट है? सवाल जांच से संतुष्ट होने का नहीं है, सवाल कानूनी प्रक्रिया के अपने अंजाम तक पहुंचने का है। हम उस अंतिम अंजाम को जानते हैं, उस अंतिम निष्कर्ष के लिए हम इंतजार करेंगे और न्याय के लिए हम स्वागत करेंगे। आप भी आज पहुंचे हैं, कोई जानकारी मिली थी सुबह आपको कि यहाँ पर वो आ सकते हैं आज? देखिए, अगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है तो सीधे तौर पे उनको या तो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट जाना है या सुप्रीम कोर्ट जाना है। दोनों जगह में से वो कहीं नहीं गए हैं। 5 बजे तक का उनकी डेडलाइन है राहत की। अगर 5 बजे तक वो कहीं नहीं जाते और उनको कहीं कोई अंतरिम राहत जो मिली है उसका विस्तार नहीं होता तो उनकी गिरफ्तारी तय मानी जानी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सर।